हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। आज हम आपको बताएंगे जल यानी वाटर से होने वाले फायदों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे मल्टी रोज लाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच सकें। हमारे जीवन में जल के महत्व से सभी परिचित हैं, और ये कहने की आवश्यकता नहीं कि जल ही जीवन है। आज हम आपको बताएंगे कि पानी को सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, ताकि इसके औषधीय फायदों का भी लाभ उठाया जा सके। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जल का इस्तेमाल कब हानिकारक होता है। मनुष्य के शरीर के संपूर्ण भार का 2/3 भाग पानी है। हमारे शरीर में प्रतिदिन प्राय 2600 ग्राम पानी खर्च होता है। फिर भी संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम 2.5 किलो पानी प्रतिदिन पीना आवश्यक है। पानी एक साथ नहीं, धीरे धीरे घूंट घूंट पीना चाहिए, ताकि शरीर के तापमान के अनुसार वे पेट में पहुंचे। भोजन से पहले पानी पीने से पाचन शक्ति कम हो जाती है, शरीर पतला होता है। भोजन के मध्य 5-6 घूंट पानी पीने से भोजन जल्दी पचता है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से शरीर फूलने लगता है, पाचन क्रिया और बल कम हो जाता है। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीने से अमाशय को शक्ति मिलती है। पानी कब अधिक पीना चाहिए? उच्च रक्तदाब, बुखार, लू लगना, पेशाब की बीमारियां, हृदय की धड़कन, कब्ज, पेट में जलन आदि रोगों में पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि पानी पीने का सबसे सही तरीका क्या है। गिलास या बर्तन को होठों से लगाकर पानी पीने के बजाय ऊपर से सीधे मुंह डालकर पानी पीने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इससे पेट की बीमारियों की आशंका बनी रहती है। गिलास को होठों से लगाकर घूंट घूंट करके पानी पिया जाए तो अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। हमें कम से कम दिन में 8 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पीना स्वास्थ्य के लिए हितकर माना गया है। प्यास के समय इच्छा के विपरीत बेहद ठूस ठूस कर जल पीना हानिकारक होता है। भोजन, भजन और गमन से पूर्व 3 घूंट पानी अवश्य पिएं। 3 घूंट जल तन मन करे निर्मल। भोजन करने के बाद हाथों को पानी से धोकर गीले हाथों की ये दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़कर नेत्रों पर लगाएं। इस प्रकार नित्य करते रहने से नेत्रों में कभी भी कोई रोग नहीं होता, और यदि कोई रोग होता है तो वह भी दूर हो जाता है। बूढ़े तथा निर्बल मनुष्यों को छोड़कर गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करना सबके लिए हितकर होता है। ठंडा स्नान शरीर व मन को अधिक ताजगी और सुखद एहसास कराता है। मुँह या गले के दर्द में नमक को गर्म पानी में डालकर गरारे करने से दर्द दूर हो जाता है। मोटापा आजकल की जिंदगी में सबसे गंभीर समस्या हो गई है। जिनका शरीर मोटा हो गया है और जो चाहते हैं कि अधिक मोटा ना हो, उन्हें सादा गुनगुना पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। दोनों समय भोजन के तुरंत बाद 1 कप उबलता हुआ गर्म पानी जितना गर्म पिया जा सके, चाय की भांति छोटे छोटे घूंट धीरे धीरे पी लें। चाहे तो 1-2 घूंट ठंडा पानी भोजन के बीच में ले सकते हैं। इस प्रकार खाने के तुरंत बाद गर्म पानी के लगातार सेवन करने से मोटापा घटकर शरीर संतुलित हो जाता है। परंतु गर्म पानी का ये प्रयोग लगातार 2 महीने से अधिक नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये हमने आपको बताए कि पानी को कब पीना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि पानी कब ना पिएं। गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा, ककड़ी खाने के बाद या सोकर उठने के तुरंत बाद, चाहे दिन हो या रात, सेक्स करने के बाद, दस्त हो जाने के बाद, दूध या चाय लेने के बाद, धूप से आने के पश्चात तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज से आप पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे और पानी के औषधीय लाभ का भी फायदा उठाएंगे। और आपसे ये भी निवेदन है कि आप पानी को वेस्ट ना करें। पानी की जितनी ज़रूरत आपको है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके लिए लाभदायक होंगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है, आप हमारे मल्टी रोज लाइव चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके और साथियों तक भी पहुँचती रहें। धन्यवाद।